जय जिनेंद्र, आज हम बनाने जा रहे हैं तिल की पापड़ी। इसके लिए मैंने इस नाप से 2 चम्मच शक्कर ली है और ये 6 चम्मच भुने हुए तिल लिए हैं। इसमें फ्लेवर देने के लिए मैंने इलायची के दाने क्रश करके लिए हैं और पिस्ता कतरन ली है। अब हम चाशनी बनाने जा रहे हैं तिल की पापड़ी के लिए। इसमें हमने शक्कर डाल दी है, इसमें मैं पानी नहीं डालूंगी, ऐसे ही पिघलाऊंगी। गर्म होने पर ही अपने आप ही पिघल जाएगी। अभी हमारी चाशनी बनके तैयार है, मैंने इसको कंटिन्यू हिलाया है। अब इसमें हम तिल डालेंगे। अभी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको हम गैस से उतार लेंगे। इसकी पापड़ी बनाएंगे हम। थोड़ा सा चिकना कर देते हैं फर्श को, पानी का हाथ लगा के लोई बनाएंगे क्योंकि ये बहुत तेज गर्म होता है। इसलिए ये हमारे तिल के पापड़ बनकर तैयार है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, आप भी बनाइए और खाकर देखिए, बहुत ही अच्छे बने हैं।